कहीं सत्ता पक्ष पार्टी या विपक्ष उसका लाभ लेना चाहती है। महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन एक फर्क है अतुल जी, अगर बिहार में बताओ तो बिहार में केवल एनआरसी और एनपीआर को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया है, क्योंकि बखूबी ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि एनआरसी का भी ड्राफ्ट ही नहीं तैयार है, वादा करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं वहीं पे काव्या जी आ रहा था, अबू आजमी जी को बोलने के पहले ये सोचना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मीडिया के सामने क्या बोल रहा हूँ, लोग उसको सुनेंगे और हमारी बात का कितना उस पर गौर करेंगे। इनकी बात में कहीं से वजन ही नहीं है, आप सीए लेकर चल रहे हैं और आप बिहार का नाम भी ले रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई। अब आइए महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने आपसे जो है समझौता किया है, आप उनके साथ में हैं, आप लोगों के साथ में मिलकर सरकार बनाई, लेकिन पिछले 3-4 महीने में उनको सारी स्थिति समझ में आने लग गई है कि हमने कांग्रेस का साथ लिया, हमने उसका साथ लिया, पवार जी का, सबका साथ उन्होंने लेकर सरकार वहां पर बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं काव्या जी एक हिंदुत्व की छवि उनके दिमाग में हमेशा रही है और वो आज से नहीं चलती चली आ रही, वो बाल ठाकरे के समय से चलती चली आ रही है, तो उसका असर उद्धव जी के अंदर उस पड़ता ही दिखाई देगा आपको। तो उद्धव जी जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय बहुत सोच समझ के ले रहे हैं और आगे आने वाले समय में देखिए काव्या जी, पहले भी लोग इसी चैनल पर बैठ के कहते थे कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, तो ये हकीकत दिखाई भी देने लग गई है कि ये सरकार किसी भी दिन, देखिए 6 महीने तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सदन भी बहुमत सिद्ध कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद तो स्थितियां गड़बड़ा ही सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आलोसू जी आप जिस तरीके से सीए के विरोध को लेकर के बात कर रहे हैं, और सबसे अहम बात यह कि अजीत पवार भी अब जो है वो सीए के समर्थन में उतर चुके हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है, सीए जो है वो केंद्र का मैटर है, आप अपने विधानसभा के अंदर इसको पारित कर लेंगे, हम लागू नहीं होने देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ये जो कानून है सिटीजनशिप कानून जो है वो केंद्र से होता है, आपके कहने से नहीं होता, आप केवल जो है फाइल को डिले कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है अगर आप देखा जाए जो दस्तावेज जाने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से ही जाने हैं, आपके प्रांत से जो भी अप्लाई करेगा वो आपके मार्फत करेगा और वो आपको केंद्र में भेजना है, केंद्र डिसाइड करेगी किसको सिटीजनशिप देनी है किसको नहीं देनी है, वो कानून है, आप केवल उसको डिले कर सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं, हो सकता है जो केंद्र में बैठा हुआ जो कैबिनेट सेक्रेटरी हो वो अपने स्टेट के डीएम भी जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत होते हैं, उनके सरकारी मुलाजिम होते हैं, तो वो उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि हमको ये वाली फाइल जो है आप पारित करके हमको जो है दिल्ली भेजिए, तो ये कह पाना कि हम, ये तो फेस सेविंग है, लोगों को बताने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए है कि हमने अपने विधानसभा से पारित कर दिया कि सीए बिल जो है लागू नहीं होने देंगे, कानूनन आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है इसका कोई महत्व नहीं है, चाहे आप कहें या ना कहें सीए तो लागू हो चुका है और जैसी सरकार की मंशा है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हमको लग रहा है कि अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। बिल्कुल आलोचना दीजिए, एक और अहम बात है, एनपीआर को लेकर बहुत बवाल मचा, आप सीधा कह दिया गया कि जो भी जनगणना में मदद नहीं करेगा या फिर जो भी प्रोसेस है उसका विरोध करेगा तो 3 साल जो है वो प्रावधान है सजा का और उसके साथ ही जुर्माना भी है और अगर स्थिति ज्यादा लगी तो दोनों भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। मतलब इसमें एक चीज है, ना तो कानून को समझना है और कानून का विरोध करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए केंद्र बैठी वो इम्प्लीमेंट करवाएगी। क्या मतलब बनता है अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाकर के दूसरों का केवल आश्वस्त करना कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए एनपीआर में अपना नाम रजिस्टर कराना बहुत अनिवार्य है, ये बात समझ नहीं पा रहे हैं लोग, बाग कोरी राजनीति कर रहे हैं, इससे जनता बहुत परेशान होगी। कारण है कि एनपीआर को अगर आधार से उन्होंने लिंक कर दिया तो ऐसे सूरत हाल में अगर आपको कोई भी सरकारी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी वो नहीं तो वो आपको मिल ही नहीं सकती, वो कहेगा कि एनपीआर में एक यूनिक नंबर मिलेगा, जैसे ही वो नंबर डालेगा आधार डालेगा तो एनपीआर का यूनिक नंबर आएगा, अगर वो नहीं आया तो आपको कहेगा कि आप भारत के नागरिक ही नहीं है, आप भारत में रहते ही नहीं है। तो जो एनपीआर है वो तो ये कह रहा है कि यूजुअल रेजिडेंस ऑफ इंडियन, आप भारत में जब रहते ही नहीं है तो आपको सरकारी सुविधाएं कैसी मिलेगी, अगर आप जेल चले जाएंगे तो आपको बेल नहीं मिलेगी, कह दिया जाएगा आप तो भारत में रहते नहीं है आपको कैसे हम आपको जो है बेल दे दें, तो ये चीजें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारी विनती है कि लोगों के बहकावे में ना आए, सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उसको हम लोग को पालन करना है, क्योंकि हमारे ऊपर स्टेट है,
हम अपने ये बनाना स्टेट नहीं है, स्टेट ऑफ एनार्की नहीं है। जो भी हमने सरकार को चुन के भेजा है, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, उसके जो भी नियमावली होंगे, जो भी संवैधानिक उसके अधिकार है, उससे जो नियम बना रही है उसको हम लोग को पालन करना ही पड़ेगा। हम अपनी इच्छा से नहीं चल सकते, अगर चलेंगे तो उसमें दुश्वारियां बढ़ेंगी। इसलिए एनपीआर जो आ रहा है बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमको ये प्रूफ करता है कि हम भारत के निवासी हैं, भारत के क्षेत्र में रह रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया है, शायद वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, जैसा कि हमने अभी खबर में देखा था कि 3 महीने तक की जेल हो सकती है अगर आप उसका जो है और एक बार जनगणना अभी देखता है उस मंत्रालय की तरफ से, अच्छा उसी मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश ने कहा होगा सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि योगी सरकार का जो शासन प्रशासन है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कहने की मतलब ये है कि अगर ऐसे प्रावधान आ गए हैं, कठोर प्रावधान, तो आपको तो इसमें जो है रजिस्टर कराना जरूरी होगा। बिल्कुल अतुल जी, बड़ी अलग स्थिति है, मतलब ये सभी दल के नेता जो है ये संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेकर बैठते हैं, लेकिन खुद संविधान के साथ मखौल कर रहे हैं। केंद्र ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया, दोनों सदनों में चर्चा हुई, बहुमत से पास हुआ, उसके बाद कानून बन गया। अब इसके खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके क्या हो जाएगा? आप एक झूठा आश्वासन अपनी जनता को दे रहे हैं कि हम प्रस्ताव पास कर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, या अब वो आदमी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र से ये हो जाएगा तो कुछ कर ले जाएंगे वो? देखिए काव्या जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कारण है कि इतना बवाल होने के बाद भी शांत बैठी है और बार बार ये बात कह रही है कि हम इसको लागू करेंगे और एक कदम पीछे नहीं हटेंगे? जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर क्यों नहीं इसका किया जा रहा है? जो और विपक्षी दल है, देखिए सोती जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि आप लागू तो कर रहे हो, लेकिन जो आईएएस होता है, डीएम होता है, वो पीएमओ ऑफिस से डील होता है और केंद्र सरकार के अधीन होता है, और जो जिले का अधिकारी होता है उसको समस्त पावर होती है और हर जिले में एक डीएम होता है। मुख्यमंत्री ने वहां पर प्रस्ताव पारित किया कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अगर केंद्र सरकार डीएम को आदेश देगी तो डीएम को कार्य करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी पड़ेगी। जब वो केंद्र सरकार के पास में रिपोर्ट जाएगी तो उसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेगा। सोती जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जब आपका आधार कार्ड से पीएनआर नंबर जुड़ जाएगा और आपका जब नंबर बहने नहीं होगा तो आपको मैं बताऊं सबसे ज्यादा राशन पानी यही लोग लेने जाते हैं जो आज सड़क पे बैठे हुए हैं, जो चिल्ला रहे हैं, सबसे ज्यादा अस्पतालों में आपको यही मिलेंगे, सबसे ज्यादा इनकी ही लाइन मिलेगी। तो जब इनके कार्ड पर वो नंबर नहीं होगा और सरकार का मुलाजिम ये कहेगा कि भाई आपके आधार कार्ड पर ये नंबर नहीं है, हम आपको सरकारी सुविधाएं नहीं दे सकते, तब क्या होगा कि जो उस राज्य की सरकार होगी, उस प्रदेश की सरकार होगी, जब चुनाव होगा तो जनता उनसे जवाब मांगेगी और उसका जवाब यही होगा कि जिस समय पर चुनाव होगा तो उस समय पर जो पार्टी है सत्तानसीन या तो जीरो पाएगी या उसका वजूद खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल, ये एक अहम बात है, कोई भी कानून या संविधान में जिस चीज का अधिकार के लिए केंद्र की सत्ता को दिया गया हो उस पर अगर आप विधेयक पारित करना चाहते हैं, आप प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, लेकिन अगर उसका कोई फॉर्मेट है या फिर उससे कुछ हो सकता है तो इस तरीके किसी राजनीति मत करिए कि जो संवैधानिक ही ना हो। अगली खबर का रुख करूंगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंदी करने के निर्णय को सही ठहराया है। जहां प्रशासन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अब भी लोक व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए हैं, वहीं जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी की पीठ ने उमर की नजरबंदी को चुनौती देने वाली उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है। आपको बता दें कि पीठ के समक्ष जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हलफनामे में उमर की नजरबंदी को सही बताया गया, साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि 24 फरवरी को एडवाइजरी बोर्ड ने भी इसे सही बताया है। गौरतलब है कि प्रशासन ने हलफनामे में कहा है कि उमर अनुच्छेद 370 को लेकर हमेशा बयान देते रहे हैं और 5 अगस्त को भी अनुच्छेद 370 को खत्म करने से पहले भी उमर ने इसे लेकर के काफी मुखरता से विरोध किया था। और बखूबी आपने भी हाल ही में देखा था, एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उमर अब्दुल्ला के अंदर वो पावर है कि वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये काबिलियत है उनमें, ये ताकत है उनकी, और यही एक कारण है कि इस मसले पर उन्हें नजरबंद रखने के लिए अभी भी आगे इसकी समय अवधि बढ़ाने की बात कही जा रही है।
मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, इनसे खबर पर चर्चा कर लेती हूं। आलोकसूची जी क्या कहेंगे उमर अब्दुल्ला को लेकर के, बहन ने याचिका दायर करी है नजरबंदी को लेकर के, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि उमर अब्दुल्ला को अभी भी हम नजरबंद रखेंगे। पहली बात तो ये कि उनके अंदर बहुत पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बहुत जल्दी लोगों को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में, बहुत लंबे और खासी जानी पहचाना चेहरा आप कह सकते हैं उनको। और सबसे अहम बात है कि अब भी स्थिति यह है कि उनको नजरबंदी से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन अभी 5 अगस्त को इस पर सुनाई, मतलब 5 अगस्त को तो फैसला आया था, अभी 5 तारीख को इस पर सुनवाई भी होने वाली है। देखिए प्रशासन के पास अपनी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उससे इनको फीडबैक मिला होगा कि इनका जो नजरबंद है अभी उसको हटाना ठीक नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए और कोर्ट को भी यही बताया कि इनका अगर हम रिलीज करते हैं तो इनकी जो तकरीरें होंगी जो लोगों के पास जाएंगे मिलेंगे, अभी वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो इतनी सम्मान्य नहीं हुई हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है इनकी बातों में ना आए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लोकप्रिय नेता है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में इनकी जो पैठ है घाटी के अंदर वो काफी अच्छी खासी है, और इस वजह से जब ये वहां जाएंगे भाषण देंगे तो ऐसी स्थिति में जो है स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए प्रशासन को और उनकी इंटेलिजेंस यूनिट्स को ऐसा लगा होगा कि इनको अभी रिलीज नहीं किया जा सकता है, परिस्थितियां ऐसी नहीं है, इसलिए इनकी रिलीज में इनकी जो नजरबंदी है उसको हटाने में वो थोड़ा सा अभी समय ले रही है। अतुल जी क्या कहेंगे नजरबंदी को लेकर, क्योंकि बहन चाहती है कि आजाद कर दिया जाए उन्हें। काव्या जी कालीदास वाली कहावत याद आ रही, कालीदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। आपको याद होगा अब्दुल्ला, इनके उमर अब्दुल्ला के घर ही के लोगों ने कानून बनाया था 18 महीने वाला कि 18 महीने तक उसको जेल में डाला जा सकता है। इनको ये नहीं मालूम था कि ये हमारे ही ऊपर अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, और अभी तो 5 अगस्त से लेकर आप कितने महीने मानकर चल रही हैं, कुछ ही महीने बीते हैं, अभी बहुत समय बाकी है। इनकी जो बहन है सारा, वो किस बेस पर एप्लीकेशन दाखिल करेंगी? इस बेस पर दाखिल करेंगी हमारे भाई को नजर बंद कर दिया गया। सोती जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU होती है हर सरकार की, और LIU अपनी रिपोर्ट देती है, तो अगर सारा की एप्लीकेशन जब वहां पर जाएगी तो LIU भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और वहां पर चाहे अरुण मिश्रा जी हो और चाहे इंदिरा बनर्जी, दोनों जजों को इस चीज को देखना पड़ेगा, और दोनों रिपोर्टों को देखने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। आप देखिए अरुण मिश्रा जी और इंदिरा बनर्जी दोनों ने ये बात कही कि इनका बंद रहना उचित है, जज उस चीज को जानता है कि ये न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, बाहर निकलेंगे, जनता को भड़काने का काम करेंगे, और जो जम्मू कश्मीर की एक अच्छी स्थिति धीमे धीमे बनती चली जा रही है उस पर आप ये मान के चलिए कि ये बवाल करने की निश्चित चेष्टा करेंगे, और पाकिस्तान का आज से नहीं सालों से इनके ऊपर वरदहस्त है, वहां से फंडिंग आती है, वहां से पैसा आता है, आपको ये भी जानकारी। लेकिन अतुल जी लगता है आपको कि अब इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 से जितने बाधित वहां के लोग थे अब उन्हें खुली आजादी मिल गई, संविधान के सभी नियमों को वो अपने साथ रख सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? उमर अब्दुल्ला अभी भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वहां के लोगों को, तो अलग चीज हो चुकी है। काव्या जी एक कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है, ये डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, चाहे आप महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए चाहे उमर अब्दुल्ला को ले लीजिए, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव माइंड है। हमने आपसे कहा ना सत्ता की लोलुपता बड़ी बुरी चीज होती है, ये इनका एकाधिकार था वहां पर, ये तीन जो परिवार ऐसे थे जो अपना एकाधिकार जम्मू कश्मीर पर समझते थे, और हमेशा आपने सुना होगा कि ये अलग आने वाले समय में अलग देश बनाने की सोचने लग जाते थे, सारी चीजें इनके दिमाग में चलती थी। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा था कि तिरंगा उठाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक हाथ नहीं मिलेगा, तो आज महबूबा मुफ्ती को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। यही उमर अब्दुल्ला जब खड़े होकर अपनी स्पीच दिया करते थे जम्मू कश्मीर के भीतर कि हम चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने शरीर का एक खून का कतरा दे दूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं धारा 370 लागू नहीं होने दूंगा, 35 लागू नहीं होने दूंगा, तो आज इनके खून का कतरा कहां चला गया? इन्होंने क्यों नहीं अपने खून का कतरा दे दिया? तो देखिए डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं काव्या जी, कंस्ट्रक्टिव माइंड के है नहीं, इसको अदालत भी भली बात जानती, और अरुण मिश्रा जी और इंदिरा बनर्जी दोनों एक समझदार जज हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे देखिएगा अब वो पक्ष ही में आएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य के विषय में आएगा। बिल्कुल,
आयोग जी, लास्ट कमेंट चाहूंगी बहुत कम शब्दों में, क्या कहेंगे आप? क्या अभी भी स्थिति ऐसी हो सकती है कि आप वहाँ के लोगों को उनके दिमाग में ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 वापस इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए या विशेष राज्य का जो दर्जा जम्मू कश्मीर के पास था वो वापस से आ जाना चाहिए? देखिए, अब तक तो वो लोग समझ गए हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं कि ये वापस नहीं होने वाला है, और पाकिस्तान ने भी जितने प्रयास करने थे वो कर लिए हैं, और आज वो भी हार मान के बैठ गए इमरान खान, और वो कहने लगे जब तक मोदी है तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है, 35 से समाप्त हो चुका है, और अभी मोदी सरकार को 4 साल और रहना है, तो जाहिर सी बात इन 4 सालों में कुछ नहीं होना है। और वहाँ की जनता को चाहिए कि जो जिस उद्देश्य से ये काम किया गया है, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के विस्तार के लिए जो काम किया गया है, उसमें जो है दिल्ली सरकार का सहयोग दे। और आपने देखा कि जम्मू में समान स्थितियां हैं, लद्दाख में पहले ही दिन से खुशी बनाई जा रही है, कश्मीर के कई लोग जो है वो दिल्ली नोएडा की तरफ भी रुख करने लगे हैं व्यवसाय को लेकर के, क्योंकि अभी दिल्ली की हालिया तस्वीर मैं आपके साथ बयां करूं अभी, क्योंकि परिवार के लोग भी जब दिल्ली जाते हैं तो बताते हैं कि कश्मीर के लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहाँ के फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, लोगों के लिए लेकर आते हैं, अपने व्यवहार बहुत अच्छे बना रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा दौर रहा है जब हम कश्मीर से कटे हुए रहे, जम्मू कश्मीर से कटे हुए रहे। दोनों मेहमानों बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। बिल्कुल क्लियर स्थिति है, बदलाव आएगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला कब तक नजरबंद रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बदलाव की तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर में हमको दिखने लगी है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।